वेलकम टू एक लवियर स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन और आज की इस वीडियो में मैं आपको टर्म वन के लिए नोटिस राइटिंग के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से आपकी प्रैक्टिस हो सकती है वो करवाने वाला मैक्सिमम के साथ आपको करवाऊंगा आपका जो लेटेस्ट पूरा फॉर्मेट है अब आपके एमसीक्यू आएंगे आप सभी को पता है एमसीक्यू आने वाले हैं आपके नोटिस के अंदर से ठीक है टर्म वन में तो मैं आपको बता दू ये एपिसोड नंबर ट्वेंटी है इससे पहले के उन्नीस एपिसोड भी हमने इंग्लिश के ऊपर बना रखे हैं जिसमें मैंने आपको क्लास ट्वेल्थ की इंग्लिश के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह करवाए हैं तो आप उनको भी जरूर देख लेना आपको बहुत हेल्प मिलेगी इसके अलावा हमने और भी राइटिंग सेक्शन के बहुत सारे एपिसोड बनाए हैं तो वो सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी आप प्लीज उसको चेक कर लेना ठीक है तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें आपको बहुत सारे एक्साम्पल्स में आपको देने वाला हूं नोटिस राइटिंग के जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आने वाले पेपर में तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो तो आप आके मुझसे पूछ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप आप अगर हमारा ज्वाइन करना चाहते हो तो क्लास ट्वेल्व न्यू ग्रुप आप इसको सर्च मार के ज्वाइन हो सकते हो ठीक है और अगर आप वेबसाइट को विजिट करना चाहते हैं तो डब्ल्यू 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 डॉट स्टडी पॉइंट डॉट कॉम हमारी वेबसाइट है यहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे सभी क्लासेस के सभी सब्जेक्ट्स के ठीक है नाइन टेंथ इलेवन ट्वेल्थ जो भी है आपको इसमें आप चेक कर लेना जाके आपको बहुत हेल्प मिलेगी तो आपके लिए एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन है हमारा प्रीमियम कोर्स अवेलेबल है टर्म वन के लिए क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश का जो कि आपको हमारे मोबाइल ऐप में मिलेगा एक लफ्जा ऑफिशियल के अंदर रिवीजन समरी होगी इसके अंदर एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे आपको एमसीक्यूज मिलने वाले हैं और प्रैक्टिस सेट भी होंगे ठीक है तो ये आपको हमारे मोबाइल ऐप के अंदर मिलने वाला है ये सभी रिकॉर्डेड वीडियोज होंगी तो आप प्लीज इसको जरूर चेक करें आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है नोटिस से ठीक है मैंने आपको कहा है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा नोटिस की प्रैक्टिस करवाऊंगा तो पहला क्वेश्चन एज अ मेंबर ऑफ यूर स्कूल कौंसिल यू हैव टू राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट द डिटेल्स ऑफ योर स्कूल बींग क्लोज ठीक है समझ में आया आपको नोटिस लिखना है एज अ मेंबर ऑफ यूर स्कूल कौंसिल एंड आपको इन्फॉर्म करना है कि स्कूल आपका बंद रहने वाला है ओके अब इसका क्वेश्चन देखते हैं क्या है सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द नोटिस बढ़िया से बढ़िया टाइटल क्या हो सकता है इसके लिए स्कूल क्लोज फॉर अ वीक अटेंशन प्लीज इंपॉर्टेंट नोटिस या फिर क्लोजिंग ऑफ द स्कूल ठीक है तो यहाँ पे आप अगर टाइटल की बात करूँ तो ये डाल सकते हो स्कूल क्लोज़ फॉर अ वीक ठीक है ये भी टाइटल हो सकता है कि कितने टाइम uh, तक स्कूल बंद रहने वाला है ये आप मेंशन कर सकते हो उसमें ठीक है सो so, यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट द मोस्ट एक्यूरेट ओपनिंग फॉर दिस नोटिस सबसे बढ़िया ओपनिंग क्या हो सकती है इस नोटिस के लिए ग्रीटिंग्स एंड अटेंशन प्लीज टू ऑल द स्टूडेंट्स या ऐसा कुछ या दिस नोटिस इज रिटर्न टू शेयर विद यू ऑल अबाउट या दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट या आई विश टू शेयर विद ऑल पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स दैट

ठीक है या फिर ओपिनियंस अबाउट द स्कूल क्लोजिंग या द डेट ऑफ रीओपनिंग तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ओपिनियंस जानने की कोई उसमें मतलब बताने की जरूरत नहीं होती बाकी वन टू और फोर सही है ये बिल्कुल जेन्यन पॉइंट है तो हम कह सकते हैं ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा वन टू एंड फोर अब नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज असेंशियल फॉर द नोटिस नोटिस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज टाइम ऑफ पब्लिशिंग ऑफ द नोटिस द वर्ड नोटिस सिग्नेचर ऑफ द प्रिंसिपल कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन फॉर फर्दर डिटेल देखो इसके अंदर ये द वर्ड नोटिस बहुत जरूरी है भाई लिखना सबसे ज्यादा क्योंकि जब यही नहीं लिखा होगा तो अगले को पता कैसे चलेगा कि यह नोटिस लिखा है क्या है ओके सो so, ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट कंक्लूजन फॉर दिस नोटिस इसके कंक्लूजन के लिए आप लास्ट में क्या लिख सकते हो स्टे इनफॉर्म्ड या हैव अ सेफ स्टे एट योर होम्स या स्टे होम स्टे सेफ या इनकन्वीनियंस रिलेटेड तो इसमें आप ऑप्शन डी लिख सकते हो असुविधा के लिए खेद है क्योंकि स्कूल बंद रहेंगे तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हेयर अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं आज हम नोटिस की तो देखते हैं इसमें क्या है यू आर द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ यूर स्कूल ओके यू राइट अ नोटिस इनवाइटिंग द नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स हु वुड लाइक टू पार्टिसिपेट इन द वराइटी ऑफ प्रोग्राम दैट यू आर प्लानिंग इन एड ऑफ एन ओल्ड एज होम यूनिवर्सिटी ठीक है तो आपको पूछना है कि जो बच्चा पार्टिसिपेट वगैरह करना चाहता है उन सबके मतलब रिलेटेड ये नोटिस है आप कल्चरल सेक्रेटरी हो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा ठीक है अब इसके हम क्वेश्चन की तरफ अंदर चलते हैं क्या है सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द नोटिस बढ़िया से बढ़िया टाइटल क्या हो सकता है फेस्ट फॉर द ओल्ड पीपल अटेंशन एवरी वन संध्या तारा हेल्पिंग द एल्डरली या पार्टिसिपेश पार्टिसिपेशन इन्वाइट तो ये आपके लिए होमवर्क है एज अ होमवर्क आप इसको करिए और आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हैं आपका रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा ठीक है तो ये आपके लिए होमवर्क है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम सेलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट द मोस्ट एक्यूरेट ओपनिंग ओपनिंग फॉर दिस नोटिस देखो opening के लिए अभी भी मैंने आपको बताया था कि दिस इज टू इन्फॉर्म ठीक है ये यहां से ही इसकी ओपनिंग सही मानी जाती है आपके पेपर में भी आता है तो आप यही करना ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल अबाउट दिस इज टू इन्फॉर्म से ही स्टार्ट होता है हमारा जो ज्यादातर जो नोटिस वगैरह हो होते हैं ठीक है सो ऑप्शन सी सही हो जाएगा अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम ठीक है इसमें क्या पूछा जा रहा है हमसे सेलेक्ट द ऑप्शन विद द इंफॉर्मेशन पॉइंट्स टू बी इंक्लूडेड इन द बॉडी ऑफ द नोटिस हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन डालनी चाहिए इस नोटिस के अंदर ठीक है इसकी बॉडी के अंदर ओपिनियन अबाउट रेगुलर फेस्ट ठीक है और रिजोल्यूशन फॉर फॉर फेस्ट फेस्ट रीजन द टाइमिंग्स ऑफ द फेस्ट एक्ट्स फॉर द फेस्ट डेट ऑफ द फेस्ट तो ये जानकारियां यहाँ पे दी हुई है अब आप इसमें से अगर होते तो अपने नोटिस में क्या क्या डालते ठीक है तो अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑप्शन ए मुझे ज्यादा सही लगा क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि एक तो तीन चार पांच और तीन में है रीजन फॉर द फेस्ट क्यों ये फेस्ट किया जा रहा है चौथा है टाइमिंग्स ऑफ द फेस्ट उसकी टाइमिंग क्या है पांचवा है एक्ट फॉर द फेस्ट ठीक है उसके बाद छठा है डेट ऑफ द फेस्ट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ओपिनियन वगैरह जानना ये सब लिखना ज्यादा जरूरी नहीं होता नोटिस में काम की बातें होती सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पे सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट कंक्लूजन फॉर दिस नोटिस बढ़िया से बढ़िया कंक्लूजन क्या हो सकता है इसके लिए स्टे इंफॉर्म्ड कोलेब्रेशन सोलिसिटेड स्टे प्रिपेयर या इनकन्वीनियंस रिग्रेटेड तो इसके लिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा कोलैबोरेशन सोलिसिटेड यानी कि जो भी कोलैब करना चाहे जो आगे आना चाहे वो आ सकता है तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ विल यू ऑथेंटिकेट द नोटिस ठीक है हाउ विल यू ऑथेंटिकेट द नोटिस नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नेम ऑफ राइटर या फिर डेजिग्नेशन ऑफ राइटर या ऑल ऑफ दीज ठीक है तो यहां पे आप अगर देखोगे तो इसमें ऑल दीस ये सारे सही हैं अगर हम बात करते हैं हाउ वी कैन ऑथेंटिकेट द नोटिस तो उसके अंदर ये सारे ही पॉइंट आ जाएंगे ठीक है तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा ऑल ऑफ दीज अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एज प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट्स काउंसिल ऑफ सेंट फ्रांसिस सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेंगलोर आप प्रेसिडेंट हो स्टूडेंट काउंसिल के यू हैव इनवाइटेड विजिटिंग रशियन बैलेट ट्रोप टू गिव अ परफॉर्मेंस इन यूर स्कूल ठीक है राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट द इवेंट आपको इन्फॉर्मेशन देनी है इस इवेंट के बारे में ठीक है यू हैव इन्वाइटेडिटिंग रशियन बुलेट ग्रुप आपको इन्वाइट किया गया है आपको विजिट करना है यहाँ पे रशियन बैलेट ग्रूप पे तो अब आपको नोटिस लिख देना है अब इससे अगर नोटिस से क्वेश्चन आते हैं तो कैसे आते देखते हैं सबसे पहला है सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द नोटिस बैलेट परफॉर्मेंस रशियन बैलेट विजिट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शो अटेंशन प्लीज तो ऑप्शन बी सही होगा रशियन बैलेट विजिट है तो हम सिंपली ये इसके टाइटल में रख सकते हैं नो no प्रॉब्लम उसके बाद सेलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट द मोस्ट एक्यूरेट ओपनिंग फॉर दिस नोटिस अब तो आपको समझ में आ गया होगा भाई कि नोटिस के लिए ओपनिंग की लाइन सबसे बढ़िया क्या होती है यस दिस इज टू इन्फॉर्म यू ठीक है दिस इज टू इन्फॉर्म यू ऑल दैट अ विजिटिंग रशियन बैलेट ट्रूप विल गिव इट्स परफॉर्मेंस सो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा सो so, आगे बढ़ते हैं अब हम फिर उसके बाद है हमें यहाँ पे दिया हुआ सेलेक्ट द ऑप्शन विद द इन्फॉर्मेशन पॉइंट टू बी इंक्लूडेड इन द बॉडी ऑफ द नोटिस क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप इसमें डाल सकते थे ठीक है ओपिनियन अबाउट द परफॉर्मेंस मैंने आपको बताया नोटिस में किसी के ओपिनियन के बारे में लिखने की जरूरत नहीं होती वेन्यू ऑफ द परफॉर्मेंस यस हो सकता है रीजन फॉर द परफॉर्मेंस टाइमिंग्स ठीक है टाइमिंग्स ऑफ द परफॉर्मेंस और उसके बाद है डेट ऑफ द परफॉर्मेंस तो देखो ये बाकी सभी इंपॉर्टेंट है तो हम कह सकते हैं ऑप्शन डी सही हो जाएगा दो तीन चार पांच उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वुड दिस नोटिस रिफ्लेक्ट द नेम ऑफ द रशियन बैलेट ट्रूप वुड दिस नोटिस रिफ्लेक्ट द नेम ऑफ द रशियन बैलेट ट्रूप यस इन द बॉडी ऑफ द नोटिस नो इट इज नॉट एसेंशियल टू बी गिवन यस एट द टॉप या नो इट विल रिव द एक्साइटमेंट देखो लिखा जाएगा भाई बॉडी में लिखा तो जाएगा ना कि कहाँ की विजिट है क्या है

अब हम आगे बढ़ते हैं सो so, अब अगला नोटिस है हमारे सामने द स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ जी डी जी पब्लिक स्कूल अप अ नोटिस ऑन हिज स्कूल नोटिस बोर्ड टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स अबाउट द सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स गुड्स ऑफ द स्कूल ठीक है तो ये नोटिस है स्पोर्ट्स सेक्रेटरी जो है भाई जीडीजी पब्लिक स्कूल का उसको एक नोटिस लगाना है अपने स्कूल नोटिस बोर्ड पे बच्चों को कन्फर्म करना है कि जो पुराने जो स्पोर्ट्स का सामान है उसकी सेल होने वाली है ओके okay, अब इसका क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से है सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर दिस नोटिस बढ़िया बढ़िया से टाइटल क्या हो सकता है सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स गुड्स या स्पोर्ट्स डे या टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स या स्पोर्ट्स आर गुड फॉर हेल्थ तो इसका सबसे बढ़िया टाइटल जो है वो हो सकता है सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स गुड्स ठीक है तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा

सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज नेसेसरी टू बी इंक्लूडेड इन द बॉडी ऑफ द नोटिस ठीक है जो कि आपको बहुत ज्यादा जरूरी है लिखना ही लिखना कंप्लेन अबाउट द इश्यूज रिलेटेड टू द सेल या फिर यहां पे लिखा हुआ डेट एंड डे ऑन विच द सेल इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज ये जरूरी है वेन्यू और प्लेस ये भी जरूरी है द क्लोजिंग टाइम ऑफ द सेल ये भी जरूरी है सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा टू थ्री और फोर ठीक है अब आगे बढ़ते हैं हम वुड दिस नोटिस रिफ्लेक्ट द नेम ऑफ द पर्सन इशूंग दिस नोटिस बिल्कुल भाई इशूंग जो बॉडी है उसका नाम तो आएगा ही नोटिस के अंदर नाम तो रिफ्लेक्ट होगा ही सो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा येस बिकॉज इट इज द इशूंग बॉडी उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट कंक्लूजन फॉर दिस नोटिस स्टे इंफॉर्मड बी इन टच इनकनवीनियंस रिगरेटेड या स्टे प्रिपेयर तो इसके लिए आपके लिए ये होमवर्क है आप अपनी कॉपी में इसको लिख सकते हो मुझे इंस्टाग्राम पे आप भेज सकते हैं होमवर्क जो आपको दिया जाता है ठीक है तो इस तरीके से ये हमारा नोटिस हो जाएगा ये वाला भी अब हम बढ़ते हैं अगले नोटिस की तरफ अपने इसमें है द सेक्रेटरी ऑफ द इको क्लब हैज टू पुट अप अ नोटिस टू इन्फॉर्म द क्लब मेंबर्स अबाउट द स्क्रीनिंग ऑफ अल गोर्स फिल्म इनकन्वीनियंट ट्रूथ इन द स्कूल्स ऑडियो विजुअल रूम ठीक है नोटिस आपको डालना है कि भाई एक फिल्म की स्क्रीनिंग होने वाली है अलगोर की फिल्म है इनकन्वीनियंट ट्रूथ ठीक है नाम से आपके स्कूल के जो ऑडियो विजुअल रूम है वहां पे इसकी स्क्रीनिंग होने वाली है तो अब आपको इसके नोटिस के क्वेश्चन दिखाता हूं क्या है सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट टाइटल सबसे पहले तो टाइटल क्या होगा इसका शेड्यूल्ड स्क्रीनिंग ऑफ द मूवी या स्क्रीनिंग ऑफ इनकन्वीनियंट ट्रूथ अल बेस्ट प्रोजेक्ट या इंपॉर्टेंस ऑफ वॉचिंग मूवीज तो इसके लिए आप ऑप्शन बी डाल सकते हो स्क्रीनिंग ऑफ इनकन्वीनियंट ट्रूथ यानी कि आप मूवी का नाम डाल के बता सकते हो कि इसकी स्क्रीनिंग होने वाली है ऑप्शन बी सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिस नोटिस शुड बिगिन विद ठीक है आपको पता चल गया भाई अच्छे से कि कैसे नोटिस की शुरुआत होती है यस दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल मेंबर्स ऑफ द इको क्लब तो अब आप आपके पेपर में शायद आप ये गलती नहीं करोगे कि ओपनिंग लाइन क्या होनी चाहिए ठीक है तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारे सामने विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एज पर द फॉर्मेट ऑफ नोटिस राइटिंग नोटिस राइटिंग के फॉर्मेट के अनुसार क्या चीज जो है इसमें इंपॉर्टेंट है करेक्ट है डेट शुड बी इन द नोटिस यस डेट तो होनी ही चाहिए नोटिस शुड कंटेन सेल्यूटेशन अलंग विद द नेम ऑफ द इशूइंग बॉडी नेम ऑफ द इशूंग बॉडी शुड नॉट बी डिस्कलोज

आप क्या लिखते हो बिल्कुल दिग्नेचर या नेम ऑफ देशन हम नेम ऑफ दर्गेनाइजेशन लिखते हैं बिल्कुल टॉप सेंटर पे ठीक है तो इस तरीके से हमारा ये नोटिस भी हो जाएगा अब हम बढ़ते हैं अगले नोटिस की तरफ तो मैंने आपको कहा था मैं बहुत सारे नोटिस करवाने वाला हूं तो ये आज का लास्ट होगा तो इसमें है

कीप योर वॉटर टैंक नीट एंड क्लीन या वॉटर सप्लाई टू बी सस्पेंडेड यस ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपको पता भी चल गया होगा कि वॉटर सप्लाई टू बी सस्पेंडेड इसकी सही हैडिंग होगी टाइटल उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट मोस्ट एक्यूरेट ओपनिंग यस आप तो अब खुद ही पहचान गए होंगे क्या बेस्ट ओपनिंग हो सकती है हमारा पे सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ऑप्शन ऑफ द नोटिस क्या क्या इन्फॉर्मेशन के पॉइंट आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो ओपिनियन ओपिनियन के पॉइंट नहीं आप इसमें लिखोगे कुछ भी ठीक है उसके बाद अगर हम बात करें रिजोल्यूशन टू स्टॉप दूसज ऑफ वाटर या रीजन फॉर सस्पेंडिंग द वॉटर सप्लाई और उसके बाद है टाइमिंग्स बिटवीन विच द वॉटर सप्लाई विल बी सस्पेंडेड कंप्लेन्ट्स अगेंस्ट द सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी ये सब नहीं आएगा भाई इसमें डेट ऑन विच द वाटर सप्लाई विल बी सस्पेंडेड ये आएगा ठीक है टाइमिंग्स आ जाएंगे इसके अंदर रीजन आ सकता है भाई क्यों ऐसा हो रहा है तो ये इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा तीन चार और छह जो है ये पॉइंट इसमें आएंगे ठीक है उसके बाद अब हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे

दिस नोटिस भाई बढ़िया से बढ़िया कंक्लूजन यही हो सकता है कि जब पानी की सप्लाई काटी जाने वाली है तो आप नोटिस के एंड में यही लिख सकते हो ना इनकन्वीनियंस रिग्रेटेड कि भाई जो भी असुविधा होगी आपको उसके लिए खेद है क्षमा चाहते हैं हम ठीक है तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा तो गाइस इस तरीके से हमने मैक्सिमम नोटिस की प्रैक्टिस कर ली है एंड आई होप आप आप अच्छे से कर पाओगे अपने एग्जाम में अगर नोटिस आते हैं जल्द ही मैं और भी राइटिंग सेक्शन की ऐसी वीडियो लाने वाला हूं जिसमें आपको मैं सिंगल वीडियो में बहुत सारे एग्जाम्पल्स करवाऊंगा ठीक है बस आप हमें सपोर्ट करते रहिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कर देना जय हिंद जय भारत बहुत बहुत धन्यवाद